जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने कई फिल्म में पॉजिटिव किरदार निभाया है, कई फिल्मों में काफ़ी खतरनाक नेगेटिव किरदार। हाल ही में इनका 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। 10 नवंबर 1967 को जन्मे आशुतोष का पूरा नाम आशुतोष राणा राम नारायण निखरा है। वह बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं। आशुतोष काली एक अग्नि परीक्षा जैसे टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं। उनके जन्मदिन के इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म परदेसी से की थी। ये फिल्म साल 2004 में आई थी। हालांकि उन्हें असली पहचान फिल्म दुश्मन से मिली थी। इस फिल्म में वो खौफनाक विलन का रोल प्ले किए थे। एक्टिंग के अलावा वह एक प्रोड्यूसर, स्टेज आर्टिस्ट और एंकरिंग भी करते हैं। इनकी दोस्तों जिस प्रकार से छवि रही है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, वो ज़्यादातर नेगेटिव किरदार के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो कई फिल्मों में इनके पॉजिटिव किरदार भी थे। जैसे अब राज पिक्चर को ले लीजिए, क्योंकि उसमें इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया था जहाँ से इनको काफ़ी पहचान मिली थी। आशुतोष राणा के बारे में दोस्तों अगर संपत्ति के बारे में बात की जाए तो इनकी संपत्ति काफ़ी करोड़ों की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको और जानकारी दे देते हैं। जहां पर इनकी संपत्ति को लेकर सबसे पहले खुलासा करें तो रिपोर्ट्स की माने तो आशुतोष राणा की कुल संपत्ति 46 करोड़ रुपये से ऊपर की बताई गई है। उनके MP के गाडवरावा स्थित में एक आलिशान मकान है। इस मकान की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है। हालांकि देश के अन्य शहरों में भी उनके कई और संपत्तियाँ हैं। आशुतोष के पास कुछ लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है। इनमें मित्सुबिशी पजेरो, BMW X1 जैसी कार शामिल है। आशुतोष एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए तक आसानी से चार्ज करते हैं। इसके अलावा वे एक एड फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा उन्हें कई रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ से इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इनकी लव स्टोरी के बारे में बात करें तो दोस्तों आशुतोष राणा उनकी पत्नी रेणुका शहाणे की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बात का खुलासा उन्होंने कपिल शर्मा के शो में किया था। शो के दौरान आशुतोष ने बताया था कि रेणुका से उनकी मुलाकात एक हंसल मेहता के एक फिल्म के सेट पर हुई थी। आशुतोष राणा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने रेणुका शहाणे को कविता के साथ प्रपोज किया था। एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि रेणुका गोवा में शूटिंग कर रही थी तो मैंने उन्हें फ़ोन कर एक कविता सुनाई। इस कविता में मैंने इकरार, इनकार, खामोशी, खालीपन और झुकी निकाय सब लिखा था। इस कविता को सुनने के बाद रेणुका ने मुझे आई लव यू कह दिया था। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मिलकर बात करते हैं। और दूसरी डेट में फिर आगे बात बढ़ती गई। फिर आप सभी के सामने है किस प्रकार से अपना सुखमय जीवन बिता रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ से दीपक रिपोर्ट।